हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अभी रिसेंटली मैं यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करके देख रहा था, तभी एक न्यूज़ चैनल है उसका एक वो लिख कर आया, जो होती नहीं है कि एक फ़ोटो डालते हैं और नीचे लिख देते हैं कोई क्वेश्चन एनालाइज करके कि इसके बारे में बताइए। तो उसी में से लिखा हुआ था, उनने एक सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लड़के इतने पागल क्यों हैं, एक वजह बताइए। ठीक है, तो लड़के क्यों ना पागल हो भाई, मैंने लिखा उसमें कि यहाँ एक ग्रेजुएट लड़का है, ठीक है, वो जब मान लो बीटेक है, बीबीए, बीसीए या नॉर्मल ग्रेजुएट है, बीएससी है, बीकॉम है, बीए कुछ भी है, ठीक है, वो जब इंटरव्यू देने जाता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है कहीं पे, तो उसे कितनी सैलरी मिलती है? 8 से 10 हज़ार रुपये। ठीक है, वहीं एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है जो एमएससी किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमकॉम लिख किया हुआ है, और या वो उसने टेक्निकल डिग्री डिलीवर की, एमबीए किया हुआ है, एमटेक किया, वो भी जब इंटरव्यू देने जाता है ना, तब भी उसे 15 से 20 हज़ार रुपये ही ऑफर होते हैं, इससे ज़्यादा ऑफर नहीं होते हैं आज भी। तो जो एक नॉर्मल इंटर पास लड़का है, वो जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, कोई वैकेंसी आती है उसमें सिलेक्ट होता है, तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो भी 25 से 30 हज़ार रुपये होती है। ठीक है, मिनिमम 25 हज़ार तो होती ही है। और कोई अच्छी मान लो ये तो सी ग्रेड की हो गई, लेकिन अगर कोई बी ग्रेड की जॉब उसकी लग गई तो उसकी वही 45 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये सैलरी हो जाती है। तो लड़के क्यों नहीं पागल होंगे भाई, उन्हें जॉब भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, घर चलाना है, तो उनको ये सब करना पड़ेगा, उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ती है, उनकी मजबूरी है। कोई पागल नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी केवल इसलिए करेगा कि भाई चलो चलो एग्ज़ाम दे देते हैं, फॉर्म भर देते हैं और जाके दे देंगे, हो जाएगा। भीड़ इसलिए होती है क्योंकि एक लड़का टैलेंटेड है, वो एग्ज़ाम पास किया है, उसने एक डिग्री ले रखी है, वो इंटरव्यू देने जा रहा है, तो वो सोचता है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मुझे कम से कम 20 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये तो मिलेंगे ही। अगर वो एक नॉर्मल ग्रेजुएट लड़का है या पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है, तो गवर्नमेंट को है अगर कोई, तो वो ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं लाती है कि अगर कोई लड़का ग्रेजुएट है तो उसे 20 हज़ार मिनिमम सैलरी मिलेगी? फिक्स क्यों नहीं है कि कोई भी प्राइवेट अगर कंपनी है वो किसी लड़के को, ग्रेजुएट लड़के को हायर करती है, तो उसे कम से कम 20 हज़ार रुपये की सैलरी मिलेगी ही, इससे कम उसको नहीं मिलेगी। वहीं अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है तो उसको जब कोई जॉब ऑफर होगी तो उसे मिनिमम 30 हज़ार की नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। अगर ऐसा गवर्नमेंट कर देना अभी, तो लड़के पागल ना हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो आराम से प्राइवेट जॉब करें, क्योंकि उससे उनका खर्चा चल जाएगा, वो अपने परिवार को भी पाल लेंगे और उनका खर्चा भी चल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना, वो कभी ऐसी कोई पॉलिसी लाते ही नहीं है कि जिससे बच्चों का भी भला हो जाए। ठीक है, तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे, 1000 वैकेंसी आई है, 100 वैकेंसी आई है, तो उसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख फॉर्म पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? क्योंकि वो भाई, अब कोई लड़का मान लो 10 लाख लगा के, 12 लाख लगा के बीटेक किया है, अब वो 8 हज़ार की जॉब कर पाएगा? जब वो नहीं कर पाएगा, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। वही जब उसके 2 3 साल बाद 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, तब वो जॉब करने के लिए जाएगा कि अरे नहीं यार, बहुत टाइम बीत रहा है, चलो जॉब करते हैं, तब वो 8 हज़ार की जॉब करेगा ही करेगा, मजबूरी है उसकी। तो अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ले आए कि नहीं, कोई ग्रेजुएट लड़का है तो उसे मिनिमम 20 हज़ार की जॉब मिलेगी, कोई पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है तो उसे मिनिमम 30 हज़ार की जॉब मिलेगी, तो ये जो जितने भी इतनी भीड़ बढ़ रही है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो कम हो जाएगी, ये मुझे लगता है। आप अपना कमेंट बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं सही है। मैंने यही चीज़ लिखी थी उस न्यूज़ जो का जो आर्टिकल था ना, उसमें मैंने यही एक कमेंट लिखा था। मैंने कहा था कि अगर आपको और जानना है तो आप मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, अभी रिसेंट की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी लड़का पागल नहीं है कि वो पहले जॉब की तैयारी करेगा, फिर नहीं होगा, 50 बार फेल होगा, 100 बार फेल होगा। अरे लड़के मिनिमम अगर कोई ठीक ठाक लड़का है तो वो साल भर में 2 4 5 एग्ज़ाम तो देता ही देता है कि चलो इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। लेकिन नहीं, सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकार चाहे जो हो, कोई भी सरकार हो, कभी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने से मतलब है। जनता जब तक अपने बारे में नहीं सोचेगी, तब तक सरकार भी उसके बारे में नहीं सोचेगी, ये रियलिटी है। ठीक है, और टायर 1 टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है, उसको जाके खेलिए, रिवार्ड लीजिए, इन सब झमेलों में मत पड़िए, अपने गोल पे हमेशा फोकस्ड रहिए। जो आपका गोल है, प्राइवेट करना है तो प्राइवेट करना है, बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है, नौकरी करनी है तो नौकरी करनी है, दुकान खोलनी है तो दुकान खोलना है, जो भी करना है वो करो, किसी के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है,
गेम खेलना है गेम खेलो आराम से, लेकिन हमेशा दिमाग में ये रखो कि मुझे करना क्या है, मुझे अपने घर के खर्चा चलाना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा, बुरा काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है। ठीक है, आराम से सीना चौड़ा करके घूमो सब तरफ इधर से उधर, जो बकवास करे उससे बोलो ही मत, जो बकवास ना करे मिलजुल के रहे, चाहे वो जो भी हो उसके साथ आराम से मिलजुल के रहो। ठीक है, और अपनी सोच, जो आपकी सोच है ना, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं, विचार कहते हैं, उसको हमेशा साफ रखिए। ठीक है, और हमेशा ये कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी को दिक्कत तकलीफ ना हो। अब आप कहेंगे कि ये कि भाई को क्या हो गया, भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, उसके जो न्यूज़ वाला था ना, उसका आर्टिकल देख के मुझे गुस्सा आ गया। उसने लिखा कि एक वजह बताइए कि इतने बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल क्यों हैं। वो बेवकूफ़ है, तुम जितने बड़ा न्यूज़ चैनल चला रहे हो तुम्हें नहीं पता कि लड़के पागल क्यों हैं। अरे मेरा तो इतना बड़ा न्यूज़ चैनल नहीं है, फिर भी मेरे दिमाग में ये बात आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, कोई भी आज से 10 साल पहले में भी देखता था कि लोगों की जॉब लग रही है तब भी 12-15 हज़ार की लग रही है, आज देख रहा हूँ 10 साल बाद तब भी वही हाल है कि लोगों की जो जॉब लग रही है वो 12-15 हज़ार की लग रही है। मतलब कोई मतलब वो हुआ ही नहीं है, क्या कहते हैं उसे, सॉरी इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं है। अगर एक एक ग्रेड कॉलेज से पढ़ा लड़का ही इंजीनियर और मैनेजर बन सकता है, तो BCA ग्रेड के जो कॉलेज हैं उनको बंद कर दो, क्या ज़रूरत है उन्हें खुला रखने की। अगर आप उन लड़कों को, BCA ग्रेड के कॉलेज के लड़कों को इस लायक नहीं समझते हैं कि वो आगे बढ़ पाएंगे या वो इतने टैलेंटेड हैं, तो इन कॉलेजों को बंद कर दो। सबके पास तो आजकल डिग्री है, कोई पैसा देके वो डिग्री ले रहा है, कोई नकल मार के डिग्री ले रहा है। तो जब डिग्रियाँ सबके पास हैं तो सबको नौकरी भी चाहिए। इतनी नौकरी आप दे नहीं सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की होगी चाहे वो प्राइवेट की होगी। अगर कोई फॉरेन कंपनी आके यहाँ पे अपना कोई ब्रांच ओपन करती है तो वो अपने साथ अपने एम्प्लॉय भी कुछ ना कुछ लाएगी, कुछ ना कुछ लोगों को लेकर आएगी। कंपनी उसने यहाँ पे खोला, एम्प्लॉय भी वो अपने कंट्री से लेकर आएगी, कुछ एम्प्लॉयज जिस कंट्री में वो खोलेगी वहाँ के लेगी। तो मतलब कुल मिला के हर तरफ से फंसना किसे है, फंसना उसी कंट्री को है जो एक डेवलपिंग कंट्री है। जो डेवलप्ड कंट्री है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? अभी हम अमेरिका अमेरिका अमेरिका, कनाडा कनाडा कनाडा, इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, चाइना 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 कर देंगे। लेकिन बात वही, हमें मतलब तो अपने देश से है, हमें दूसरे देश से क्या मतलब है। हमें जहाँ रहना है उसी को ठीक करना होगा। ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उस न्यूज़ वाले आर्टिकल को देख कर कि एक वजह बताइए, इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी क्या थिंकिंग है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है गलत है, आप मुझे बताइएगा। और 1945 एयरफोर्स के में इवेंट्स आ गया है, बहुत पुराना वाला पहली वाला इवेंट चल ही रहा है उसको भी खेलिए, टायर वन टूर्नामेंट ख़त्म होने वाला है उसको भी खेलिए, डिवीज़न वार जो आ गई है उसको भी खेलिए, आराम से दिमाग को शांत रखिए और मन लगा कर गेम खेलिए, चाहे जो भी गेम खेलिए। ठीक है, फालतू बातों से अच्छा है कि हम अपना दिमाग किसी ऐसी चीज़ पर लगाएं जिससे दिमाग में फालतू चीज़ें ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर दिमाग ऐसी जगह पर लगेगा जहाँ से फालतू चीज़ें दिमाग में आ रही हैं तो चीज़ें फिर ख़राब होगी। हम पता चलेगा घर में लड़ाई कर रहे हैं, अपने दोस्तों से लड़ाई कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है हम किसी ऐसी जगह पर अपना दिमाग लगाएं जहाँ से हमें किसी से लड़ाई ना करना पड़े, आराम से हम खुश रहें, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी खुश रहें। ठीक है, एयरक्राफ्ट को Tier 3 पहुंचाना है, विंगमैन को Tier 3 पहुंचाना है, डिवाइस को Tier 3 पहुंचाना है, ये काम करना ज़रूरी है। इतना समय दे दिया है इसमें तो ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, और अपने अपोनेंट को धूल चटाएं। ठीक है, उस न्यूज़ वाले ने मतलब अभी कमेंट नहीं आया है उनका, अगर कोई मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं जो मेरे पे कमेंट आएगा, ये तो मुझे भी पता है तो मैं उसके मतलब उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि उनका कमेंट आएगा, क्योंकि मैंने उनको भी लिख दिया था। मैंने कहा था कि आपके यहाँ का आपके जो आपके क्राइटेरिया क्या है कि बोलना आना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए और अच्छे से बात करना चाहिए, और मैंने लिख दिया कि ये भी होगा कि बात को समय समय बदलना आना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ वाले तो यही करते हैं, अपनी बात को ही बदल देंगे, आज किसी और की तरफ से बोलेंगे कल को किसी और तरफ से बोलेंगे। मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया था, तो उनको ये बुरा लगा होगा क्योंकि उनके चैनल का मैंने नाम लिख दिया था कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये चैनल है, आपके यहाँ क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, तो उनको अब ये बुरा लगा होगा अगर उन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत मैंने लंबा चौड़ा एक लेख लिख के भेजा था। ठीक है,
तो जो मैंने कह रहा मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपको कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा, ठीक, कमेंट करिएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है या गलत है, ये जो जॉब के बारे में कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग क्यों पागल हैं, क्यों, मतलब एक वजह बताइए जो हम लिख के भेजा था, ठीक है। अगर आपको भी दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कहा है, अगर वो सही है तो आप बताइएगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो वो भी बताइएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए ये वजह है, इसकी ये वजह है, जो भी वजह होगी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और रात के यहाँ पे बज रहे हैं 1:30, ठीक है, तब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब था इसलिए उस न्यूज़ वाले के चक्कर में, ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।